एसडी रोड थाना क्षेत्र के कुसेरा गांव में बिजली के जर्जर तार टूटने से एक 22 वर्षीय युवक की तार के चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई। बिजली विभाग की लापरवाही के चलते अचानक हुए इस दर्दनाक हादसे से गांव वालों का गुस्सा फूट पड़ा और गुस्साए ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर 2 घंटे तक लंबा जाम लगाया और जमकर नारेबाजी भी की, जिससे यातायात ठप हो गया। इसकी सूचना मिलने के घंटों बाद भारी पुलिस बल और बिजली विभाग के एसडीओ पहुंचे, जहां लोगों को काफी समझाने बुझाने की कोशिश की, पर गांव वालों के आगे उनकी एक ना चली। गांव वालों ने मृतक के परिवार के लिए मुआवजे की मांग की। वहीं गांव वालों की मांग पर बिजली विभाग के अधिकारियों ने मृतक के परिवार को 5 लाख रुपए देने की घोषणा की। तब जाकर मामला शांत हुआ और पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल बलिया भेज दिया। वहीं गांव वालों की माने तो शासन और प्रशासन की लापरवाही का नतीजा है कि विगत 30 वर्षों से गांव का जर्जर तार बदला नहीं गया। तार टूटने पर कर्मचारी रस्सी और कपड़े के टुकड़े से तार बांधकर चले जाते हैं, जिसका नतीजा है कि हमारे गांव में एक होनहार युवक की तार की चपेट में आने से मौत हो गई। साथ ही जब बिजली विभाग के अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने घटना को स्टाफ और संसाधनों की कमी का हवाला दिया और मृतक युवक के परिवार के प्रति शोक संवेदना जाहिर कर हर संभव मदद करने का भरोसा जताया। बहरहाल अब देखने वाली बात यह है कि विभाग इस घटना से कोई सबक लेकर कोई सख्त कदम उठाता है या फिर किसी और अनहोनी होने का इंतजार करता है। बलिया, आप लोगों को आज की जो घटनाएं घटित हुई हैं उसके लिए हम काफ़ी शोक संतृप्त हैं और जिसमें आप लोगों का काफ़ी सहयोग रहा, उस परिवार के प्रति हम अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। हम सारे डिवीज़न के लोग, चूँकि मेरे पास स्टाफ भी नहीं है, अभी मैं मटेरियल की भी व्यवस्था नहीं हो पा रही है, हम हर संभव जो है उस परिवार के लिए जो भी हो पाएगा हम करेंगे अपने तरफ से। और चूँकि नया डिवीज़न है, नया डिवीज़न सज्जित है, अभी कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है, लेकिन हम उस दुखी परिवार के, उस आत्मा के लिए अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए जो संभव प्रयास होगा हम करने के लिए। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत कुसोरा। ये तार जो जर्जर है हमारे गांव में हाई टेंशन की, वही गिर गया था, उसी में एक लड़का का मृत हो गया मौके पे ही, एक झुलस गया। इसके लिए आप लोगों ने क्या किया प्रशासन? इस घटना के बाद प्रशासन कितनी देर बाद आई? प्रशासन तो साहब 1 घंटे 1.5 घंटे बाद आ गई, लेकिन और कोई मतलब तो कोई अधिकारी महोदय नहीं आ पाए 18-20 घंटे तक। तो क्या कर, पूरे हमारे ग्राम सब पंचायत के लोग चक्का जाम किए मुआवजा की मांग के लिए। इसकी सूचना हम विगत कई बार हम दे चुके हैं, तहसील दिवस में भी दे चुके हैं और उस पर कोई कार्य नहीं हुआ। पूर्व में थे जेई, उनके से भी हम अवगत करा चुके हैं कि इसके लिए एस्टिमेट बनाया जाए, अगर आपके द्वारा नहीं होगा तो मैं किसी मंत्री विधायक से लेकर के कराऊंगा। समाप्त किया गया ये जो मांग था वो हम लोगों का मान लिया गया, जिसमें कि 5 लाख रुपए की धनराशि मुआवजे के रूप में दिया जाएगा और जो घायल हैं उनके लिए 1 लाख रुपए का मुआवजा एसडीएम महोदय के द्वारा, एसडीओ साहब आए थे, उन्हीं के माध्यम से हुआ।